यूपी के सहारनपुर में एक व्यक्ति को सोशल मीडिया पर पुलवामा हमला दोहराने की धमकी देना भारी पड़ गया। सहारनपुर के देवबंद से एक शख्स ने पुलवामा जैसा हमला करने की धमकी दी थी। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए युवक से पूछताछ की। पुलिस अधिकारी ने बताया कि थाना देवबंद पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक ने आपत्तिजनक ट्वीट किया है। इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए देवबंद पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर युवक को हिरासत में लिया गया। उससे पूछताछ की जा रही है। मामले को लेकर संयुक्त टीम बनाई गई है। आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये मामला तब सामने आया जब एक एक्स यूजर ने यूपी पुलिस को टैग किया और उन्हें पुलवामा जैसे आतंकी हमले के खतरे के बारे में अलर्ट किया। जिस आरोपी को पकड़ा गया उसने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा था, इंशाअल्लाह जल्द ही दूसरा पुलवामा होगा। हरकत में आई पुलिस ने आरोपी को देवबंद से हिरासत में लिया। आरोपी युवक झारखंड के जमशेदपुर सरायकेला का रहने वाला है। वो देवबंद में कुछ धार्मिक शिक्षा लेने आया था। सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देवबंद में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक ने एक आपत्तिजनक ट्वीट किया है। इस पर प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और उस युवक से पूछताछ की जा रही है। एक संयुक्त टीम बनाई गई है पूछताछ हेतु और उसमें जो भी तथ्य पूछताछ और जांच में सामने आएंगे उसके आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।